नमस्ते जी, कैसे हैं आप? नागपाल इन्वेस्टमेंट पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूं एक लड़का और एक लड़की, दोनों के ही मम्मी पापा भी साथ में हैं। अरे भाई, रिश्ते की बात है ना उनकी, दोनों एक दूसरे को देखने दिखलाने के लिए बैठे हुए हैं। तो लड़की वाले लड़के से पूछते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो? तो बेटे ने बोला, अंकल मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हो? जी गुड़गांव में जॉब करता हूँ। कितना पैकेज मिल जाता है आजकल? कितना? लगभग 30 लाख का पैकेज मिल जाता है। और गुड़गांव में क्या अपना मकान है? कहते हैं हाँ जी, मैं फ्लैट अपना लिया हुआ है, एक फ्लोर लिया हुआ है। कहते ओके। कहते और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हो कुछ या नहीं? कहते हाँ, इन्वेस्टमेंट भी मैंने शुरू की हुई है, मुझे 3-1 साल हो गए हैं जॉब में। तो मैंने अपनी SIP म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की हुई है, अपना इंश्योरेंस भी मैंने करा लिया हुआ है। कहते अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से कराया है? जी मुझे तो LIC पर सबसे ज्यादा विश्वास है, मैंने वहीं पर ही अपना टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का करवा लिया हुआ है। और आपने LIC कौन सी कराई है? टर्म इंश्योरेंस तो लिया, इसके अलावा भी कोई LIC कराई है? कहते नहीं, अभी और LIC मैंने नहीं कराई, बस म्यूचुअल फंड में SIP द्वारा मैं अपनी रेगुलर लगभग 25-30 हजार रुपए महीना जमा कर रहा हूँ। कहता ओके। और आप अपने मम्मी पापा की क्या हेल्प करते हो? क्या मम्मी पापा की हेल्प यही करता हूँ। देखो मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, तो मैं उनकी हेल्प ये करता हूँ कि मैंने कुछ घर का काम, खाना बनाना वाना भी सीख लिया है, कभी जरूरत पड़ती है तो मैं भी बना लेता हूँ ताकि इसमें उनकी हेल्प हो जाए। तो बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और लड़की से पूछा कि आप क्या करते हो? उसने कहा मैं भी जॉब करती हूँ, लेकिन मेरी जॉब तो नोएडा में है, मेरा पैकेज भी अच्छा है और हमारे गुण भी देखो 32 मिल रहे हैं। आपका मुझे घर सब कुछ पसंद आया है, घर परिवार, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है अंकल जी, मैं क्या करूं मुझे ये बताओ, इसका सॉल्यूशन निकालो तो हम आगे बातचीत करें। ठीक, कहो बेटा क्या बात है, बताओ क्या चाहती हो, क्या पूछना चाहती हो? वो कहती है लड़की, क्या मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ, तो अगर मेरी जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा कहाँ रहेंगे, इनका क्या होगा, मैं अकेले इनको कैसे छोड़ दूं? कहते हाँ ये बात तो है। फिर आपस में लड़का बोलता है, कहते है, पापा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बड़ा घर ले लें और उसमें मम्मी पापा इनके भी और मेरे भी, दोनों मम्मी पापा वहीं रहें, जैसे 3 फ्लोर का कोई मकान मिल जाए उसमें रह सकते हैं, दोनों के मम्मी पापा साथ रहेंगे, हम भी साथ रहेंगे। कहते हाँ ये बात तो सही है, अगर ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अच्छा दोस्तों, ये जोड़ी तो लगता है ऊपर वाले ने बना दी है, दोनों को पसंद आ गई है। अब आपको भी नागपाल इन्वेस्टमेंट पर कोई सेवा हो, कोई LIC करानी हो, कोई FD करानी हो, कोई म्यूचुअल फंड कराना हो, तो आप हमें सेवा का मौका जरूर दें। 1985 से नागपाल इन्वेस्टमेंट आपकी सेवा कर रहा है। अच्छा दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इसे लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।